Too little water or no water, this was nothing new for the people in the Holgundi area of Karnataka. यहाँ पर लिखा हुआ है कि या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी या बिल्कुल नहीं पानी की कोई भी मात्रा नहीं या बहुत कम पानी. This was nothing new. ये कुछ नया नहीं था. कहाँ के लोगों के लिए? होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका स्टेट में जो होलगुंडी एक देश है वहां के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी. या तो उनके पास पानी बहुत कम मात्रा में होता था या बिल्कुल भी नहीं होता था. The wells would have some water only in rainy days. जो wells या कुएं होते थे जब वो रेनी सीजन आता था तब वो थोड़ा बहुत क्या होता था भर जाते थे. In the past 3 years, लेकिन 3 साल हो गए मतलब हो जाते हैं. There was not even enough rain. और 3 साल से यहाँ पर वो भी रेन जो रेनी सीजन आता था अब वो रेन वो भी नहीं हो रही है. वो काफी मात्रा में उनका काम चल जाता था तो अब वो 3 साल से वो भी नहीं हो रहा है. Everything had dried up there. अब वहां पर हर चीज सूखती जा रही है सूखा होता जा रहा है. There was no water for drinking, for growing crops, for animals. वहां पर पीने के लिए भी पानी की समस्या है. वहां पे क्रॉप यानी फसलों के लिए भी पानी नहीं हो पा रहा है और जो वहां के एनिमल्स हैं उनके लिए भी पानी नहीं हो पा रहा है. People had to leave their village and go to nearby towns for some work. वहां के लोग फिर क्या कर रहे हैं क्योंकि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो अपना गांव छोड़कर पास वाले टाउन में या शहर में जाके लोग बाग काम के लिए अपना गांव छोड़ रहे हैं. Children had to leave school to go with the elders. और इसलिए बच्चों को भी अपने स्कूल छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके बड़े जो हैं वो भी जब घर छोड़कर जा रहे हैं तो उनके साथ बच्चों को भी अपना स्कूल छोड़ना पड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज द विलेज पंचायत वॉज बरीड. जो विलेज होता है वहां पे पंचायत भी होती है. ठीक है. तो वहां के लोग जो पंचायत के लोग हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं. ऑल द मेंबर्स डिस्कस व्हाट कुड बी डन. जितने पंचायत के मेंबर्स हैं वो बैठकर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए. सॉरी. दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर. और इस पंचायत में कुछ स्पेशल या विशेष लोग भी हैं. विशेष स्पेशल मेंबर्स हैं जो बच्चे हैं. एक बच्चों की भी उस पंचायत में एक स्पेशल जगह दी गई है. उन बच्चों का भी ग्रुप बनाया गया है. ठीक है. द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीम संघ. जो चिल्ड्रन की पंचायत है उनके नाम है उनका भीम संघ. प्लीज म्यूट करिए साउंड को. सेल्फ म्यूट करिए. ऑल म्यूट योर साउंड. जिसके भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट योर साउंड. डोंट डिस्टर्ब योर क्लास प्लीज. तो जो पंचायत है गांव की पंचायत है उसमें स्पेशल मेंबर्स हैं जो बच्चों की पंचायत है. कुछ बच्चों का एक ग्रुप है जिसका नाम है भीम संघ. ठीक है. हैज आर ब्लेस ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज. वो पूछ रहे हैं क्या ये जो समस्या हमारे गांव में पानी की है वो क्या हमेशा से रही है. द चिल्ड्रन आज द एल्डर्स. वो अपने बड़ों से पूछते हैं. नो इट वॉज नॉट सो बिफोर. उन्होंने बोला नहीं ऐसा पहले तो नहीं था. रिप्लाइड ब्लेस पीपल. वहां के लोगों ने जवाब दिया. सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल्ड द दैट अप ऑन द हिल देयर यूज टू बी अ वॉटर टैंक. उन्होंने ऊपर की ओर इशारा करके बताया कि ऊपर पहाड़ी में एक वॉटर टैंक है था. द टैंक वुड फिल विद वॉटर वेन इट रेन. और जब वहां बारिश होती थी तो वो पूरा टैंक बारिश के पानी से भर जाता था. देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक. वहां पर मछलियां भी हुआ करती थी. एंड ग्रीनी अराउंड
ग्रेट और चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी. दोस डेज इवन द विलेज वेल्स एंड द पॉन्ड यूज्ड टू हैव इन अ वाटर. और उस समय वहां पर जो कुएं होते थे और जो तालाब होते थे वो भी पूरे भरे रहते थे, जितनी उन्हें काफी भरे रहते थे. On hearing this, the king decided that they would Okay. Fish in the those day even the village wells and the pond used to have enough water. और उस समय गांव के कुएं और तालाबों में भी बहुत काफी मात्रा में पानी हुआ करता था. On hearing this, the Bhimasang decided that they would first look for that tank. ये सुनकर जो भीमसंग क्या था, बच्चों का एक ग्रुप था. पंचायत में उनको एक स्पेशल मेंबरशिप दी गई थी ताकि वो भी उन अपने गांव की समस्याओं को बड़ों के साथ बैठकर हल करना सीखें. तो जो वो संघ था, उन बच्चों का ग्रुप था, वो उसका नाम था भीम संघ. उन्होंने अपने बड़े लोगों से पंचायत में पूछा, क्या इस तरह की समस्या हमेशा से रही है हमारे गाँव में? सब लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पहले, ऐसा कुछ इतनी समस्याएं नहीं थी पहले. एक हमारे गांव के ऊपर पहाड़ी में बहुत बड़ा एक टैंक था, वाटर टैंक, जिसमें फिश हुआ करती थी और चारों तरफ हरियाली थी. और वो जब रेनी सीजन आता था तो वो टैंक भर जाता था और उस समय हमारे गांव के कुएं और जो गांव का तालाब था वो भी उसमें भी इनफ पानी रहता था, इनफ वाटर रहता था. फिर उन बच्चों ने सोचा, भीम संघ के बच्चों ने डिसाइड किया कि पहले हम उस टैंक को, वाटर टैंक को देखने जाएंगे कि वो अब किस स्थिति में है. ठीक है. द टैंक वॉज ऑन द हिल. टैंक जो हिल में था यानी पहाड़ में था. दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ. उन्होंने देखा कि अब वो जो टैंक है वो पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से भर गया है. हाउ कुड वाटर फेल. अब वहां फिर जब मिट्टी और मड से, वो मड और जो स्टोन है, अगर उसमें वो सब चीजें भरी हैं, तो वहां पर पानी कैसे रह सकता है. द टैंक हैड मैनी क्रैक्स. और वो टैंक कई जगह से उसमें दरारें भी पड़ गई हैं. हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक. तो उसमें पानी कैसे रुक सकता है या बच सकता है. देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास. हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी. और जिस वजह से वहां पर चारों तरफ सूखा हो गया है, वहां पर कोई हरियाली नहीं है, क्योंकि वहां पर ना कोई ग्रास उग रही है और ना ही वहां पर कोई पेड़ उग रहा है. ठीक है. द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन. बच्चों ने कहा कि पहले हम सबसे पहले इस टैंक को क्लीन करेंगे और इस एरिया को पहले जैसा ग्रीन बनाएंगे. फॉर दिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर एंड वाई दे हैड चेंज्ड नाउ. और लेकिन इससे पहले ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि पहले क्या था और अब पहले की स्थिति में ऐसा क्या था जो अब ये बदलाव की स्थिति है. दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम. जब हम पहले की स्थिति, किसी चीज को हमें सॉल्व करना है, अगर कोई हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये पहले, फिर हम उसकी इंक्वायरी करेंगे तो पहले उस जगह की कैसी स्थिति थी और वो अब क्यों खराब हो गई है. अगर हम उस चीज को पहले समझ लेंगे तो हम जो अपने आगे हम अपने प्लान बनाएंगे वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं. ठीक है. उसी तरह इन बच्चों ने किया, भीम संघ वालों ने, कि पहले पूरी प्रॉब्लम को समझा और फिर उसके बाद उन्होंने उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान बनाया. एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर वन ईयर बट फॉर द ईयर्स अहेड. और अब जो वो काम करेंगे वो एक साल के लिए तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा चलता रहे, उस तरह का उन्हें काम करवाना है. द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट. टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्क फॉर इट. और पंचायत ने कुछ एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, उन सब ने वहां पर मिलकर जो प्लान था वो सबने बनाया और उस पर वर्क किया.
टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, पहले उस टैंक को सफाई की गई, द क्रैक वर रिपेयर्ड और उन जो दरारों को पहले रिपेयर किया गया, भरा गया, ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक और चारों तरफ ग्रास और ट्रीज को प्लांटेड किया गया, पेड़ लगाए गए, घास लगाई गई. एज द टैंक वॉज ऑन अ हिल अ लॉट ऑफ रेन वॉटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप. और जो चूंकि जो टैंक था वो पहाड़ के ऊपर था, तो जो जब बारिश होती थी तो बहुत सारा पानी स्लोप के थ्रू नीचे आ जाता था. विथ दिस वॉटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, और उससे क्या होता था, मिट्टी भी बहती हुई उस पानी के साथ नीचे आती थी. सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप, तो उन बच्चों ने छोटे डैम को बना दिया स्लोप में टू द स्टॉप द वाटर एंड सॉइल, उस पानी को और उस मिट्टी को बहने से रोकने के लिए. Then everybody waited for the rains to come. और अब सभी लोग वेट करने लगे बरसात के आने का. When it rained, the tank filled up with the water. और जब बरसात हुई तो वो टैंक पानी से भरा. The children put some fish in the tank. और उन्होंने उस बच्चों ने कुछ मछलियों को ले जाकर टैंक में डाल दिया. They kept guard to make sure that nobody stole द फिश और हार्म द प्लांट. उन्होंने कुछ गार्ड को खड़ा कर दिया, मतलब देख रेख के लिए गार्ड बनाए अपने खुद के, और उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को देखभाल के लिए खड़ा किया कि कोई उनकी मछली ना चुरा ले या कोई उस टैंक को फिर से हार्म ना पहुंचाए, उस जगह को हानि ना पहुंचाए. द वन मानसून वेंट बाय, एक मानसून गया, देन अदर एनदर, दूसरा आया, दूसरा. थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर, और चीजें धीरे धीरे हर साल बदलती गई और अच्छी होती गई. द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर, और अब टैंक बहुत ज्यादा भर गया जो पहले से. द टैंक रिमेंड फुल द वाटर इवन मोर, द प्लांट ग्रू एंड फिशेज मल्टीप्लाई, और जो वहां पर पानी भरा पहले टैंक में जो प्लांट्स थे वो भी बढ़ने लगे, और जो फिशेज वगैरह थी वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rains had stopped. और अब वो पानी इतना भर जाता था कि अगर बारिश नहीं भी हो तो भी वो उतनी मात्रा में मिलता रहता था. The wells and ponds in the village had water again. अब गांव के कुएं और तालाब भी भर, उसमें दोबारा से पानी आ गया. There was greenery once again, और वहां पर चारों तरफ फिर से हरियाली हो गई. The people did not have to leave their village for work. अब वहाँ के लोग अपना गांव छोड़ के काम के लिए नहीं जाते हैं कहीं भी. The hard work of Bhim Sang had shown results. उनका जो भीम संघ के बच्चों का ये हार्ड वर्क था, उनकी कड़ी मेहनत थी जो उन्होंने, और उसका ये रिजल्ट जो ये परिणाम दिखा. The children had shown the way. उन्होंने ये दिखाया, एक रास्ता दिखाया. Those children are now grow up. अब वो बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं. But the Bhim Sangh continues and every year more children are proud to become its member. अब वो जो बच्चे हैं भीम संघ वाले जिन्होंने ये काम किया था वो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जो भीम संघ है पंचायत में स्पेशल मेंबरशिप का, वो आज भी कंटिन्यूस चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत अपना प्राउड मानते हैं इसका मेंबर बनने के लिए. And work together to always lead the way. और काम करने के लिए और आगे अपनी सोच और समझ से उस काम को बढ़ाने के लिए आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, लीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो गया है. ओके ओके, दिस इज एंड नाउ चैप्टर completed. Okay, किसी को कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए अपने साउंड को. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. अच्छे से समझ आया. नो मैम. मैम अच्छे से समझ आया. यस मैम. अच्छे से समझ आया. क्या बेटा? यस मैम. मैम भीम संघ अभी भी है? हाँ ये अभी भी है. भीम संघ की टीम जो भीम संघ है होली गुंडी गांव में कर्नाटका में, ये एक
विलेज में पंचायत में बच्चों का एक स्पेशल जिसका नाम है भीमसंग, ये आज भी है, जिन्होंने ये वर्क किया। यस मैम। आज भी बच्चे उसमें मेंबरशिप लेते हैं और गांव के लोगों के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। और पंचायत मतलब क्या होता है? ओके मैम। पंचायत है गांव के मैम। पंचायत मतलब क्या होता है मैम? पंचायत मतलब क्या होता है? गांव में जैसे गांव की जो समस्याएं होती हैं, गांव वाले आके एक पंचायत होती है जिसमें पंच लोग बैठते हैं जो गांव के ही द्वारा चुने जाते हैं, वो उनके हेड होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम दी थी नहीं दी थी ना सुख से मिटाएगा मैम। सब बातें कर रहे सुनाई मैम, यहाँ से बातें कर रहा है। गांव में सभी लोग अपनी समस्याओं को फिर उन पंचायत के सामने रखते हैं या गांव की कोई भी समस्या होती है उन पंचों द्वारा हल की जाती है, ठीक है? चाहे चाहे गवर्नमेंट की जाए या आपस में गांव में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पंचायत उनको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कैन आई आस्क क्वेश्चन? इनफ फॉर टुडे। मैम आ रही है। ओके आई विल सेंड यू बुक फॉर। यस मैम। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। ओके 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 मैम। बाय बाय। बाय मैम। ओके बाय मैम।